वो अपार्टमेंट वाले बंदे के बाद बस मैं इसी बंदे को ढूंढ रहा था। एक नॉक, दूसरा नॉक और दोनों खत्म यहां से। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार, अब जरा स्कूबी का ये निंजा रिवाइव देखना भाई। नाक के नीचे से रिवाइव करके ले गया मेरे को, बस तुम लोग देखते जाओ। मुझे नहीं पता था यहां पर बंदे, मैं सरप्राइज्ड था क्योंकि उतरते हुए कोई दिखा नहीं था। वॉच आउट, गन ही नहीं है मेरे को तो। आपका बदला लूंगा। अगर तुम लोग ने हेडफोन लगा रखा होगा तो फुटस्टेप भी आए होंगे। वो बंदे जस्ट पहाड़ी पे थे और मेरे को देख रहे थे। वो दिखे थे। पहले तो मेरे को मारा नहीं गया, टीममेट को बेट करा जा रहा था, लेकिन फिर जब टीममेट नहीं दिखा तो मेरे को मारने का फुल प्रयास हुआ और यहां पर मैं बचने वाला था नहीं। इसको भी एक बार स्मोक भी नहीं थे तो मतलब कोई उम्मीद नहीं। अब दो डायरेक्शन से बंदे आ रहे थे लेकिन यहां पर मेरे को रिवाइव मिल गया। अब फर्स्ट एड नहीं लग रहे थे, मैंने स्कूबी से बोला मेरे को हल्का सा भी कवर दे दे, मैं हेल्थ लगा ली तो दोनों को पेल दूंगा मैं। आपको कवर देने के चक्कर में मैं शहीद हुआ हूं भाई। एक को तो खा गया, अब दूसरे को बिगर खा गया ना तो भाई जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम हो जाएगा इधर। भाई मैंने जो किया वो अलग बात है, लेकिन भाई इसको मैंने कहो पर ही रिवाइव दिया था मेरे को, पूछो मत भाई। ये लौंडा ऐसी सिचुएशन में रिवाइव देता है ना, मतलब जहां पर मैं तो छोड़ के भग जाता इसको। वेल जो भी हो, हम लोग उतरे थे पोचिंग की में और जैसा कि पिछले मैच में हुआ था, इस बार भी हमारे साथ कोई उतरता हुआ हमको नहीं दिखा था पैराशूट में, लेकिन इनविजिबल पैराशूट वाली जो चीज़ है ना पबजी में वो बहुत ज़्यादा हो गई अब। तो यहाँ पर बंदे उतरे थे वो अलग बात है, उनका पैराशूट हमको नहीं दिखाई दिया था। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को फुटस्टेप आया, मैंने सोचा एक बॉट है तो मैं ऐसे ओपन में चला गया, लेकिन फिर शक हुआ यार। ओए होए मैं भूल गया था कि घर पे सप्रेसर लगा हुआ। वेल इसके टीममेट को मैंने दोबारा टैग दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं पुश करने गया यार, मुझे लगा था वो पेड़ के पास है बट वहां था नहीं, तो मैं स्कूबी से पूछा वो कहां गया। स्कूबी ने बोला अंदर गया, मैं कहा कब गया वो अंदर। वेल जो भी हो मैंने उसको मार दिया और तभी एक बॉट है जिसने मेरे को भी एक बुलेट मार दी। ये तो कहो मैं ज्यादा लो नहीं था वरना नॉक हो जाता। अब यहां पर मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा था घर वाले से कहीं वो एक नेट ना फेंक दे अंदर, क्योंकि हम दोनों अंदर थे तो स्कूबी को मैंने बाहर भेजा। अब मैं चाह रहा था कि स्कूबी थोड़ा सा ललचाए उसे और मैं उसको निकल के मार दूं, और वही हुआ। वो स्कूबी को मारने के लिए बाहर निकला और मैंने उसको मार दिया, मतलब मजा ही आ गया। वेल यहाँ पर मैं हेल्थ वगैरह लगा रहा था कि तभी एक बंदे का फायर आया और कंप्लीट फायर आया था, मतलब ये एक बॉट नहीं था। तो यहाँ पर स्कूबी से मैंने बोला कि यार एक बूस्टर लगा लेने दे, बस आ गया मैं। अब देखो यहाँ पर उस बंदे ने स्कूबी के ऊपर हमला किया था, उसके पास उजी थी और मेरे पास थी AKM जिसमें 6x लगा था। अब यहां पर नीचे भी मेरे को एक बंदा दिखाई दिया तो मैंने स्कूबी कॉल दिया कि वहां पर दो बंदे हैं, जबकि मैं गलत था। वैसे वो बंदा घर के पीछे गया था तो मैं एकदम ओपन जा रहा था, बट यार वो ऊपर वाली खिड़की में कब आया। जो भी हो मैंने फ्लिक करके उसे एक बुलेट तो मारी थी, लेकिन एक बुलेट किससे कोई नॉक तो होता नहीं है। तो यहां पर उसने मेरे को भर दिया और फिर से स्कूबी का एक निंजा रिवाइव भाई। वो बंदा हमारे ऊपर पुश कर रहा है और कसम से वो यही दरवाजों के आसपास टहल रहा था और स्कूबी छोड़ नहीं रहा था, और यहां पर मेरे को उसने क्यों ही रिवाइव दिया जैसे ही बंदा एकदम सामने आ गया था। वेल यहां पर मैं हेल्थ लगा रहा था, अब उसको भी उसने भर के डैमेज दिया था तो मुझे पता था पुश जरूर करेगा। मैंने मौके का फायदा उठाया, भाई को नॉक करा और फिनिश भी कर दिया। अब इसका टीममेट कहां था मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूबी कहीं से उठा लाया एक बाइक। अब बाइक को लेकर हम सीधा अपार्टमेंट गए क्योंकि अपार्टमेंट पे तो बंदे मिलते ही मिलते हैं और यहां पर भी अपार्टमेंट बंदे थे, और उनमें से एक बंदा बहुत देर से किल फीड पे उधम मचाया था और मुझे इसको मारना था, क्योंकि किल फीड में नाम पढ़ पढ़ के एक तो मुझे इसका नाम रट गया था और दूसरा ये मेरी किल चुरा रहा था। वेल तुम लोग मेरे को एक बात और बताना, क्या तुम लोग के भी टीममेट इस तरह तुम लोग रिवाइव देते हैं या फिर मेरी तरह छोड़ के निकल लेते हैं। अब जरा ये देखो स्पाइडरमैन, भाई ये कर क्या रहा था। वेल इसका नाम पढ़ा भाई, ये कम से कम
809 बार आ चुका था किल फीड पर, मेरा दिमाग खराब होता था हर बार इसको देख के। यहाँ पर इसको नॉक करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसको भी से पहले मैंने बोला इसको मारना मत, इसको बीट करेंगे हम, लेकिन इसका टीममेट कभी आया नहीं और रोड पे बॉट फायर कर रहे थे जैसा मुझे लगा था, बट वो बॉट्स नहीं थे। अब यहाँ मेरे कान के पास से गोली निकली तो मैं समझ गया कि ये एम करके मार रहे हैं और ये तो बंदे हैं। भाई पूरी जॉयस्टिक छूट गई थी इधर, किस तरीके से कंट्रोल करके मारा है मैं जानता हूँ, सिर्फ मतलब जायरो पे ही खेल रहा था, वो भी अटका हुआ था जॉयस्टिक की वजह से। वेल यहाँ पर मेरे को दो बंदे दिख गए थे, ये बुलेट कैसे मैं मिस करा मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। तो मैंने वेट करा उनके गाड़ी में बैठने का और एक परफेक्ट शॉट लिया, बट ये मिस हुआ, ये थोड़ा ऊपर से गया लेकिन ये शॉट परफेक्ट था, खून भी निकला था बट कुछ हिट मार कर नहीं आया। अब यहाँ पर मेरे को समझ में आया यार, वो मैकलरन वाली झोपड़ी, वहां पर वो जो मैकलरन का शोरूम बना हुआ है ना, उसके पीछे कोई होता है तो वो तो दिखता है लेकिन वो शोरूम नहीं दिखता यार। मतलब यार इस ग्लिच को कब सही करेंगे पबजी वाले। वेल जो भी हो, अब सिर्फ 12 बंदे बच रहे थे, तुम्हारे भाई के 8 किल थे और मुझे गुस्सा चढ़ रही थी। वेल हम यहाँ पर आए थे ब्रिज के पास, देखो तुमको कोई बंदा तो नहीं दिखा होगा बट मेरे को रेंडरिंग की वजह से गाड़ी दिख गई थी जरूर पीछे, वो जो सबसे लास्ट में एक ट्रक खड़ा रहता ना उसके पीछे एक मैकलरन खड़ी थी, मतलब वो जो नई वाली गाड़ी आई है। तो मैं समझ गया था यहाँ पर बंदे हैं जो कैम्प कर रहे थे। अब बंदे रेंडर नहीं हो रहे थे बट गाड़ी रेंडर हो गई थी। तो यहाँ पर स्कूबी से मैंने बोला थोड़ी देर इधर रुकते हैं, शायद कोई दिख जाए हमको, बट हमको कोई दिख नहीं रहा था। अब यार उलझन भी हो रही थी क्योंकि सिर्फ 12 बंदे बच रहे थे जिसमें से दो हम थे, तो मतलब 10 बंदे बच रहे थे। अब 10 में से 10 को मेरे को मारना था तब जाके मेरे 18 किल होते, तो यहाँ पर हमको जल्दबाजी भी थोड़ी सी करनी थी। तो यहाँ पर इसको भी गाड़ी लेके आगे गया, मैंने उससे बोला देखो आगे ले लो लेकिन बीच में रोक देना, कोई ना कोई पीक देगा तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेंडरिंग डिस्टेंस में आ जाएंगे। और वही हुआ, जैसे यहाँ पर उतरे हमको बंदा दिखा। यार पहला वाला शॉट थोड़ा सा मिस हुआ जीरोइंग की वजह से, तो दूसरी बार मैंने जीरोइंग करी ही नहीं, मैंने परफेक्ट हेड पे एम लिया और वो बंदा नॉक। कभी कभी जीरोइंग ना ही करो तो अच्छा है। तुम लोग से कुछ लोग पूछते हैं जीरोइंग क्या होती है, तो यार वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा एम ऊपर नीचे करना रहता ताकि बुलेट ड्रॉप से भी फर्क ना पड़े और तुम्हारा एम जो है वो परफेक्ट लगे। वेल यहाँ पर वो बंदा नॉक था, हमने रश कर दिया, चारों तरफ स्मोक ही स्मोक ऑलमोस्ट हो गया था। और यहाँ पर बस देखो तुम्हारा भाई अंधों की तरह फायर करेगा, अंधों की तरह। वेल उसने अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया था तो लकली मेरे को यहाँ पर एक किल मिल गया, लेकिन भाई उसको मैंने भरपूर डैमेज दिया था। आई थिंक स्कूबी को सिर्फ एक गोली लगी होगी उसको मारने के लिए। अब यार कमाल की बात जानते हो क्या है, जब हम ब्रिज पे आए थे तो जोन पूरी तरीके से जाला आइलैंड फेवर कर रहा था, लेकिन जैसे हम इस जोन पे आए बंदों को ढूंढने पूरा की पूरा जोन ही पलट गया। अब जोन उधर बन रहा था, इधर कोई आया नहीं। अब सिर्फ 9 बंदे बच रहे थे, तुम्हारे भाई के 9 किल थे, 2 हम थे, तो मतलब 7 बंदे बच रहे थे। अब यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार इतने कम बंदों में यार कैसे ढूंढूं बंदों को और कैसे मारूं। वेल यहाँ पर मेरे को झोपड़ी के पास एक बंदा दिखाई देगा, अभी दिख गया मेरे को झोपड़ी के पास, स्कूबी को ये बंदा नहीं दिखा और मैं चिल्ला रहा हूँ बंदा है गाड़ी रोक गाड़ी रोक। फाइनली मैं गाड़ी से कूद गया। लकली इस बंदे का प्लान ये था कि वो हमको आगे जाने देता और हमको पीछे से मारता, जिसका उसे मौका नहीं मिला। तो हम यहाँ पर गाड़ी में बैठे और बंदों को ढूंढने गए, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे जो पहाड़ी होती वहाँ पर एक बगी खड़ी थी। अब यहाँ सिर्फ बगी थी, बंदा नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस आया काम। यहाँ पर कोई भी गाड़ी छोड़ता है ना तो उसके बाद वो सीधा जाता है आगे पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी चेक करता है, उसके बाद नीचे वाले कंपाउंड चेक करता है। तो मैंने यहाँ पर स्कूबी को बोला था कि वो बंदा यहाँ पर चेक करता हो कंपाउंड की तरफ गया होगा, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। वहां पर एक गाड़ी थी और वहां पर लड़ाई हो रही थी, मतलब वहां पर दो अलग अलग टीम्स थी और एक बंदा हमको दिख गया। अब वो जो बंदा दिखा था वो घर में घुसा, उसने एक बंदे को नॉक कर दिया और फिनिश करने का भरपूर प्रयास करा। वेल यहां पर हम जल्दबाजी में आ गए क्योंकि हमको किल्स भी चुरानी थी यार, नॉक वाला खाना था हमको। तो यहां पर मैंने नेड मॉली किया था। अब यार मैं सोच रहा था ये सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेगा बट इसने सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करी नहीं, तो मेरे पास एक अलग ही प्लान था। मैंने इस वाले एंगल से इसको खत्म कर दिया और जो बंदा नॉक हुआ था वो अपने आप फिनिश हो गया। अब उसका टीममेट यहाँ प्रोन था, मैंने सोचा स्नाइपर से मारूं लेकिन फिर देखा लेवल 3 हेलमेट है, तो मैं एक ही एम से इसको फिनिश कर दिया भाई, तो पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा था। वेल जो भी हो, उसके बाद सिर्फ 5 बंदे बच रहे थे जिसमें से हम 2 थे, तो मतलब 3 बंदे और बच रहे थे। तो हम आए ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे मैंने स्कूबी से कहा यार गाड़ी रोक, क्या पता EWWM मिल जाए, तो कम से कम गेम का एंडिंग तो स्टाइल से करे। वेल EWWM नहीं मिली, MK थी, लेकिन गेम प्ले स्टाइल से जरूर एंड होगा। असल में हुआ ये कि ये ड्रॉप कैंप हो रहा था उन दो बंदों के द्वारा जिनका अब तक सबसे ज्यादा किल फीड में नाम आ चुका था, और वो अपार्टमेंट वाले बंदे के बाद बस मैं इसी बंदे को ढूंढ रहा था। एक नॉक,
दूसरा नॉक और दोनों खत्म यहाँ से। भाई इन्होंने बहुत सर्वर खाया था, बहुत किल चुराया था इन्होंने, और यहाँ पर मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली। अब देखो यहाँ पर मैं मस्ती आ रहा था, इसको भी मस्ती आ रहा था, और आखिरी बंदा पता नहीं कहाँ था, हम ढूंढ भी नहीं रहे थे, तभी उसने खुद ही फायर कर दिया। अब उसने स्कूबी के ऊपर SKS चलाई थी और स्कूबी ने उसके ऊपर M4 चलाई, तो वो अब छुप गया, प्लस वो जोन के बाहर था, तो वो जोन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा ये हमको पता नहीं था। अब देखो मैं ट्रक के ऊपर चढ़ गया क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को पता था वो इकलौता है, कहाँ ही भाग के जाएगा, अगर उसे जोन से ही मरना होता तो वो हमारे फायर भी नहीं करता। तो यहाँ पर बस मैं आराम से चिल होकर वेट कर रहा था, और उसने स्मोक कर लिया था, मेरे को पता था स्मोक कभी ना कभी तो हटेगा, लेकिन स्कूबी को जानते चुल रहती है। वो गया वहाँ पर उसकी उंगली करने, अब देखना वहाँ जाके उसके सामने ही उछलेगा और मेरे को एक मौका मिलेगा। अब देखो मैं सोच रहा था यार कि शायद स्मोक के अंदर से एक आध गोली लग जाए, बट तुम्हारा भाई इतना लगी नहीं था आज, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब देखो स्मोक हुए काफी देर हो चुकी थी, तो मुझे पता था कि कभी भी स्मोक हटेगा और वो बंदा मेरे सामने होगा। अब यहां पर स्कूबी से मैंने बोला मार्क लगाओ, तो उसने पता नहीं कहां ही मार्क लगा दिया, और तब तक स्मोक हट गया और ये बंदा ऊपर पहुंच गया, लेकिन किल फिट देखो किसी और का ही नाम आया।